सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी काफ़ी मस्त हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ महुआ डाबर, ठीक है। महुआ डाबर आप सभी को पता होगा, सैयद लतीफ़ शाह बाबा की दरगाह, ठीक है। काफ़ी फेमस दरगाह है, ठीक है। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगो, जो भी आपका मुराद होगा, सब पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई मुराद है नहीं जो आप मांगो आपका पूरा ना हो, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वहीं पे चल रहे हैं आज हम लोग घूमने, ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहना। और आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पर भाई साहब हर एक धर्म के लोग आते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं यहाँ पे। तो और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, दीपावली की एक दिन पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उस मेले के दिन, दीपावली की एक दिन पहले। तो अभी देखो दीपावली आने वाला है, दीपावली है 24 तारीख को, तो यानी 23 तारीख को यहाँ पर मेला लगेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आते हैं इस मेले में, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी यहाँ पर आएँ और मेले का आनंद लें। तो अभी फ़िलहाल वहीं पे चल रहे हैं, तो वहीं पे चल के आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है। आज है बृहस्पतिवार, ठीक है। आज के दिन लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी मन्नत रहता है मांगते हैं उनका पूरा होता है। तो चलो वहीं पे चल के आप सभी को दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी बारिश का मौसम है, देखो मौसम ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ पर चल के देखते हैं कैसा माहौल है, ठीक है। तो चलो वहीं पर चल के आप सभी से मिलते हैं। तो दोस्तों इस दरगाह के बारे में बहुत लोगों को पता है, कभी आए नहीं है। तो ये देखो बस्ती वाला रोड आया हुआ है, ये बस्ती वाला, ठीक है। और ये है शिव चौरा, यहीं से आपको जाना है सीधे, जो रोड दिखाई दे रहा। और इधर आप लोग देख सकते हो, ये टांडा के साइड है, ठीक है। ये सीधे टांडा जाएगा, अगर आप टांडा से, टांडा की ओर से आते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है शिव चौराहे से सीधे, ये रानीपुर के लिए रास्ता गया है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहीं से जाना है रानीपुर की तरफ, ठीक है। सीधे जाएंगे आप, वहीं पहुंच जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं रानीपुर पुल पे आ गया हूं। तो पहले यहां पे पुल नहीं हुआ करता था, यहां पे नाव चलती थी, ठीक है, दरगाह पे जाने के लिए। और आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये गेट है, यहां पे आप लोग देख सकते हो गेट, सैयद लतीफ़ शाह बाबा के दरगाह पर जाने के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, ये दरगाह है, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर है, तो अभी मैं पुल पर हूँ और आप लोगों को ये पुल दिखाई दे रहा है, ये रानीपुर का पुल है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से आपको राउंड लगा के जाना होगा, ठीक है। यहाँ से रोड गया है नदी के किनारे किनारे, ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हो। तो वहीं पे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी एक दरगाह है, ठीक है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, यहाँ पर भी लोग मन्नत मांगते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं दरगाह के गेट पे आ चुका हूँ। भाई साहब देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि मौसम ख़राब है फिर भी। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, इस पुल पे थे, तो आप लोग देख सकते हो ये है गेट, ठीक है। गेट कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर नहाने वाला बना हुआ है, ठीक है, देखो सल्लू नहाएगा क्यों, गहरा नहीं है, देखो इधर देखो पानी में भौरा निकल रहा है ना, वहाँ पे गहरा है, देखो ये देखो यहाँ पे सब लोग नहाते हैं, तुम नहीं नहाओगे? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहाने वाला बना है, देखो सब लोग यहाँ पे नहाते हैं सीढ़ी, और इस सीढ़ी से उतरते हैं, इधर देखो नदी में नहाते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई साहब, संभाल के नहाना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं दरगाह पे, अब हम लोग चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मौसम ख़राब है फिर भी, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा, मेला लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों मोबाइल फ़ोन में आपको पता चल रहा होगा कि मौसम कितना ख़राब है, ठीक है। आधे लोग तो ये सोचकर नहीं आए होंगे कि मौसम ख़राब है, पता नहीं बारिश होगा कि क्या होगा, ये सोचकर नहीं आए होंगे। फिर भी आप लोग देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, ठीक है,
हर धर्म के लोग ये मानते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मन्नत भी मांगते हैं, पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो उस गेट से लेकर भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को दिखा दो, ये है मज़ार, ठीक है। यहाँ तक भीड़ है और ये है नल, यहीं पे वजू बनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं वजू बना लिया हूँ, अब चल रहा हूँ सिन्नी लेकर अंदर फातिया करवाने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है भाई साहब काला खुरमा, तो अभी इसी को लेते हैं भाई साहब। तो अंदर चलते हैं, आप लोग देख सकते हो सिन्नी और सेहरा हमने ले लिया है, तो अभी अंदर चलते हैं, वहाँ पे चल के सिन्नी फातिया कराएंगे। उसके बाद में आप सभी को वहाँ के अंदर का थोड़ा सीन आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद में भाई साहब आप लोग देखना और दुआ करना कि मैं भी यहाँ पे आ पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, ये है गेट, ठीक है। आप लोग देख सकते हो गेट का व्यू कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। और गेट के बगल आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो गेट का व्यू कुछ इस तरह से है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साड़ी पहने हुए हैं, तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और उनका मन्नत पूरा होता है, 100% पूरा होता है। तो आप लोग कभी ट्राई करके देखना। तो ये देखो अभी यहाँ पे कुछ पुट्टी उट्टी लगा के अभी बन रहा है, ठीक है। पुराना था तो ये अभी पुट्टी उट्टी लगा के बना रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो बनने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा ये। तो अभी आप लोग देख सकते हो जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, मौसम ख़राब है फिर भी। तो ये बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हो, ये बाहर का व्यू है, ठीक है। ये है गेट, पहला गेट है, ये दूसरा गेट है। और आप सभी को मैं बताया था कि यहाँ पे मेला लगता है, तो आप लोग देख सकते हो जितना एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जितना एरिया है सब जगह कोई ऐसा एरिया खाली नहीं रहता जहाँ पे मेला ना लगा हो, ठीक है। हर एक जगह आप लोग देख सकते हो जितना भी यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है सब जगह मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा और आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर चलता हूँ। मजा आता, अच्छा लगा। तो फाइनली दोस्तों वापस हम लोग गेट की तरफ आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो ये रहा गेट। और नदी काफी ज्यादा बाढ़ हो चुका है, मौसम भी खराब हो रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे, तो सोचा आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मेला देख चुके हैं भाई साहब, फातिया वातिया करा दिए, तो सल्लू को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ना सल्लू।
तो आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जाते जाते भाई साहब आप लोगों को बता दूँ, दीपावली के एक दिन पहले मेला देखने आप लोगों को जरूर